find it in the best condition of health and demand. It's math section number 1. Today's our topic is rational numbers. Students, हमने rational numbers करने हैं. इसके साथ साथ आपके topic में जो है वो 2A exercise भी include है. First of all, rational numbers क्या होते हैं? Rational numbers are numbers that include integers and fractions. Rational numbers वो numbers होते हैं जिसमें integers and fractions जो है वो दोनों शामिल हो. Integers कौन से होते हैं students? Integers जो होते हैं उसमें जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी. ठीक है, उसमें प्लस में भी वैल्यूज आएंगी और माइनस में भी वैल्यूज आएंगी. और फ्रैक्शंस होता है कि हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो है वो नंबर्स को राइट करना होता है. तो इसमें जो है वो दोनों चीजें शामिल होंगी तो हम उसे कहेंगे ये रैशनल नंबर है. लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि उसके डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर उसके डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा. नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं. होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स जो है वो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती हैं. और क्यू जो होता है मींस के नेचुरल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो क्यू में जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यूज आती है. लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है इसमें ओवर की फॉर्म में वैल्यूज राइट करने की. फ्रैक्शंस में वैल्यूज राइट करते हैं लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज जो है वो होती हैं. रिलेशन इसका होता है कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं होल नंबर्स का. होल नंबर जो है वो इंटीजर का और इंटीजर जो है वो क्यू का. क्यू मींस रैशनल नंबर. यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो सारे के सारे डब्ल्यू पे लाइक करते हैं. ठीक है, ये देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सो ऑन. ये भी जो है वो नेचुरल नंबर से लेके सारे के सारे डब्ल्यू पे आ रहे हैं कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और इंटीजर्स भी जो होते हैं उसमें सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहे हैं. इसमें देखें होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड सो ऑन. इसमें भी जीरो में इंटीजर्स में जो है वो 0 से स्टार्ट होके एंड सो ऑन आ रहे हैं. नेक्स्ट यहां से इसका जो है वो आपकी एक्सरसाइज 2A स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर रैशनल नंबर्स. हमने बताना है कि इसमें कौन से जो है वो रैशनल नंबर्स हैं. वी नो दैट कि अगर हम उसको इंटीजर्स उसमें शामिल हो और फ्रैक्शंस हो तो वो जो है वो रैशनल नंबर होगा. यहाँ पे जो है वो 1/3 है. ये इंटीजर्स भी है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है तो इसको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है. सेकेंड है आपका एज इंटीजर्स. इंटीजर्स की फॉर्म में इसको राइट करना है तो इंटीजर की फॉर्म में राइट करने के लिए हम इसको जो है वो अगर किसी का डिनोमिनेटर राइट ना कि आपको सिंपली आपको नंबर दिया हो उसके नीचे आप 1 राइट करके उसको जो है वो इंटीजर की फॉर्म में जो है वो राइट कर सकते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने इसको जो रैशनल नंबर दिया हुआ है इसको इंटीजर की फॉर्म में राइट करने हैं. स्टूडेंट्स अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 हो तो आप उसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं. लेकिन अगर नॉमिनेटर में 1 आ जाए तो आप उसको इग्नोर नहीं करोगे. तो इसमें इंटीजर जो है वो नॉमिनेटर हमेशा आ जाएगा. अगर किसी के नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में 1 राइट किया हो तो आप उसको जो है वो सिंपल इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी नॉमिनेटर की वैल्यू राइट करके. तो इसका इंटीजर जो है वो 7 है. नॉमिनेटर उन्होंने आपको दिया है -7 2 डिनोमिनेटर दिया है 21 -2. क्या आपने इसको जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में राइट करना है तो आपने सबसे पहले नॉमिनेटर को नो दैट के नॉमिनेटर जो है वो ऊपर राइट करते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे राइट करते हैं. नॉमिनेटर को जब राइट करेंगे तो -7 2 ओवर 21 -2. -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और ये माइनस जो है वो सेम एज इट इज राइट कर देंगे. 21 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 19 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका जो है वो एक रैशनल नंबर है. नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हूज नॉमिनेटर इज. अब उन्होंने -3/7 दिया है इसका नॉमिनेटर जो है वो उन्होंने कहा है कि नॉमिनेटर इसका जो है वो 6 है. आपने इस वैल्यू को जो है वो ऐसे चेंज करना है कि उसका नॉमिनेटर जो है वो 6 बन जाए. तो स्टूडेंट इसको जो है वो -3/7 को आपने पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट करना है तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ. स्टूडेंट माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाएगी. सेम साइंस को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव साइन आएगा. मीन्स माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का साइन आ जाएगा. 3 2 6 और ऊपर और नीचे आपने दोनों वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई करना है -2 से. क्यों माइनस करना है? क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यू दी है नॉमिनेटर जो हमने बनाना है वो पॉजिटिव 6 है.
ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में आ रही है -3/7। तो स्टूडेंट्स अगर हम किसी वैल्यू को जो है वो खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिवाइड भी करेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस का 6 आ जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 7 × 2 = 14। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन है, और प्लस और माइनस जो है वो माइनस होगा। हमेशा लाइक जो है वो प्लस की फॉर्म, लाइक साइन जो है वो प्लस की फॉर्म में राइट करेंगे, और जो है वो अनलाइक जो है साइन उनको हमेशा माइनस की फॉर्म में राइट करते हैं। मीन्स की प्लस माइनस माइनस, और माइनस हमेशा प्लस होगा। एक्सप्रेस -2/-5 हूज डिनोमिनेटर 5। हमने -2/-5 को ऐसे राइट करना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो प्लस का 5 आ जाए। तो स्टूडेंट -2 × -1, ठीक है, हमने इसको प्लस 5 में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो 5 है, ऑलरेडी 5 है, जस्ट हमने इसके साइन को चेंज करना है। तो साइन को चेंज करने के लिए हम इसको जो है वो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे माइनस है, माइनस को खत्म करने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × -1, और -5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1। -2 × -1 = +1, और -5 × -1 = 5। स्टूडेंट से देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने माइनस को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई क्यों करना है, स्टूडेंट से देखिए प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस से तो प्लस आ जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो भी प्लस आएगा, मींस कि ये लाइक है, ठीक है, ये दोनों लाइक है, प्लस और प्लस लाइक है, एक जैसे है साइंस, तो प्लस ही आएगा। माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट ये साइन जो है ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, -(-) = +। और +(-) = -, मींस कि ये अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन जो है वो हमेशा उनके साथ माइनस आएगा। नेक्स्ट है आपका एस पॉजिटिव डिनोमिनेटर, इसमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -7/1 है, तो यहाँ पे जो है ये माइनस का जो साइन है ये दोनों के साथ आ रहा है, आप इसको किसी भी एक के साथ जो है वो राइट कर सकते हैं। ये किसी भी एक के साथ स्पेसिफिक नहीं किया हुआ, तो आपने अगर पॉजिटिव डिनोमिनेटर बनाना है तो ये माइनस जो है वो आपने 7 के साथ राइट कर देना है, डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंट नंबर लाइन, नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंट और नंबर लाइन। स्टूडेंट नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से जो है वो डिफाइन करते हैं विद नंबर प्लेस्ड एट एज इक्वल इंटरवल्स। इसमें नंबर जो है वो प्लेस किए जाते हैं, यहाँ पे ये देखिए ये नंबर प्लेस किए हुए हैं इक्वल इंटरवल्स। ये देखिए 0 के बाद 1 की स्पेस इक्वल है, 1 के बाद 2 की स्पेस इक्वल है, मीन्स कि इनके इंटरवल्स जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं। और सेगमेंट अलोंग इट्स लेंथ, और इसके सेगमेंट्स राइट किए जाते हैं इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। तो आपने जो है वो स्टूडेंट इसको नंबर लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। तो नंबर लाइन जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो डिक्रीज होती है, और राइट साइड पे जो है वो इसकी नंबर इंक्रीज होते हैं। इसको हमेशा दरमियान में जो है वो आप 0 राइट करेंगे, लेफ्ट साइड पे माइनस के साइन मेंशन करके 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और जो है वो राइट साइड पे आप प्लस के मेंशन करेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। स्टूडेंट नंबर लाइन जो है वो इनफिनिट होती है, इसको आप जो है वो इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है। आपने -11/4 को जो है वो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं इसको हमने जस्ट 0, 1, 2, 3 एंड 4 की फॉर्म में राइट किया। स्टूडेंट जो आपके पास स्केल होते हैं जिसपे सेंटीमीटर राइट किया होता है, जैसे आप बॉर्डर लाइन भी ड्रा करते हैं उसपे भी ये जो है वो काउंटिंग राइट की होती है, उसके इंटरवल्स भी बिल्कुल इक्वल होते हैं। आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में वैल्यू है, लेकिन हमने जो नंबर लाइन जो है वो ड्रा की है इसमें जो है वो प्लस और माइनस सिंपली की सिंपल जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में है। तो इसको आपने 11 को 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आप 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा -2.75। जब आप इसको राइट करेंगे तो स्टूडेंट हर इंटरवल के बाद जो है वो ऐसे छोटी छोटी सी लाइंस दी होती हैं। लाइंस में 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है वो थोड़ी सी ग्रेटर लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे -2.75 है, आप इसको राउंड ऑफ कर दे 7 को 5 में, तो ये 2.8 हो जाएगा, ठीक है। 2
सी लाइंस होंगी, आप इनको काउंट करेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये माइनस का 2 है और ये 8 आ जाएगा, ठीक है, 2.8 आप यहाँ पे इसकी वैल्यू आंसर ऐड कर देंगे, -11/4। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर की जो है वो समझ आ रही होगी स्टूडेंट। इसी तरह आपने पूरी की पूरी ये एक्सरसाइज 2A एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। अगर आपको वीडियो की समझ ना आए, लेक्चर की समझ ना आए, तो काइंडली अगेन एंड अगेन पॉज करें। जज़ाकअल्लाह।